आज की वीडियो में जो मेकअप मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो कोई भी कर सकता है, बिगिनर्स कर सकते हैं जिन्होंने कभी भी मेकअप नहीं लगाया, फर्स्ट टाइम लगाने जा रहे हैं, टीनेजर लड़कियाँ कर सकती हैं, लेडीज़ कर सकती हैं, हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, एनीवन कैन डू इट, बहुत कम प्रोडक्ट्स में एंड पॉकेट फ्रेंडली। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, मैं लता सभरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिलेगा फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ, लेकिन सब कुछ सिंप्लीफाइड। सबसे पहले आप फेस वॉश करके अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन कीजिए और उसके बाद किसी भी अच्छे टोनर से क्लीन कर लीजिए। अब जो है सबसे पहला स्टेप जो कि ऑप्शनल है, आपको अगर बहुत ग्लोई स्किन चाहिए, जैसा कि कई बार हम देखते हैं ना सेलेब्स के पिक्चर्स में भी, या उन्होंने मेकअप नहीं लगाया होता, बहुत शाइन कर रही होती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं सीरम। फेस सीरम से एक्चुअली जो है स्किन ग्लो करती है और नेचुरल चीज़ों से भी करती है, लेकिन क्या होता है जब हम नेचुरल चीज़ों से फेस वॉश कर देते हैं तो वैसी वो अलग से दिखने वाली शाइन नहीं रहती है। ओके, तो ये NYB का है स्किन फिडेंट, ये वाला सीरम मैं लगाने जा रही हूँ अभी अपने फेस के ऊपर। बस 4-5 बूंद जो है सीरम की लगाऊंगी मैं अपने फेस के ऊपर। इसमें विटामिन B3 है, विटामिन C है, काफ़ी शाइन देता है अच्छी। अगर आप नहीं चाहें तो इस प्रोडक्ट को जो है आप बाईपास कर सकते हैं, नहीं लगाइए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरी तरह 40s में हैं तो मैं कहूँगी कि ये शाइन जो है बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि जब हम 40s में पहुँचते हैं ना तो हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होने लगती है, कई बार डल भी होने लगती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, तो ये सीरम्स जो है हमें बहुत हेल्प करते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? अच्छा, तो आप इस सीरम लगाने के बाद अगर आपका कुछ लगाने का मन नहीं है तो ऐसा कीजिए कि बस सनस्क्रीन एक अच्छी सी लगा लीजिए। दिन का टाइम है तो घर पे हैं तो भी सनस्क्रीन आई ऑलवेज रिकमेंड, सनस्क्रीन लगाइए, थोड़ा सा लिप टिंट लगाइए, थोड़ा मस्कारा या काजल लगा लीजिए एंड यू आर रेडी। और अगर आप थोड़ा सा और रेडी होना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं सनस्क्रीन लगा लूँ, ये टिंटेड सनस्क्रीन लैक्मे की मैं यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट ये टिंटेड सनस्क्रीन जो है ये भी अपने आप में काफ़ी है, अगर आप चाहते हैं तो बस इसे ही लगा के छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर, तो मैं ये कंसीलर यूज़ करने जा रही हूँ, NYB का है, कैरमल नंबर 11। फ्रेंड्स, मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ले सकते हैं। ये मुझे purple.com की तरफ से आया था, इट इज़ वेरी गुड। तो अब हम कंसीलर सिर्फ वहाँ वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पे हमारे थोड़े से डार्क पैचेस हैं या फिर स्किन वेरिएशंस हैं, स्पेशली अंडर आइज। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे ना यहाँ पर थोड़े से हार्मोनल चेंजेस की वजह से छोटे छोटे मार्क्स हैं, लेकिन मैं उनको कवर नहीं कर रही हूँ फॉर अ वेरी वेरी नेचुरल लुक, ताकि ऐसा लगेगा मैंने मेकअप किया ही नहीं है और बस ऐसे ही स्किन अच्छी लगेगी। बस अब मैं अपनी फिंगर्स से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप जानते हैं मैं ब्यूटी ब्लेंडर और स्पंज या ब्रशेस काफ़ी कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे फिंगर्स से ब्लेंड करना काफ़ी ईजी लगता है। बस ये अच्छे से ब्लेंड हो गया, इसके बाद यही फिंगर जो है हम मार्क के ऊपर हल्की सी आईलिड्स के ऊपर भी घुमा देंगे ताकि थोड़ा सा कंसीलर वहां आ जाए। सेम विद द अदर साइड। ओके, सो ये ब्लेंड हो गया, अब ये सब जगह मैंने ऐसे छोड़ दी, कुछ नहीं लगाया है। अब ये हो गया ब्लेंड इधर से। बस अब यंग गर्ल्स के लिए एक ऑप्शन, ये जो पहले मैंने कंसीलर लगाया था ये बिल्कुल मेरे टोन का था, और अब जो है अगर आप चाहती हैं कि थोड़ा सा और ब्राइट लगे कंसीलर, थोड़ा सा आउटस्टैंड करे, तो उसके लिए एक ऑप्शन, ज़रूरी नहीं है ये लगाना इसके ऊपर, लेकिन यंग गर्ल्स चाहे लगा लें, NYB का है ये कंसीलर लगाने जा रही हूँ मैं, मिल्क चॉकलेट नंबर 2। सेम हल्का 1-1 डॉट जो है वो इसी कंसीलर के ऊपर लगा देंगे। That's it. ये तो अब इसको भी हम जो है फिंगर्स से लाइटली ब्लेंड कर देंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, IGTV पे मैं अनदर सेट ऑफ वीडियोस डालती हूँ, उन्हें भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बनाना पाउडर, ये भी एक तरीके का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर होता है जो हमारी फाइन लाइन्स होती है ना उन्हें इवन आउट कर देता है, मेकअप बहुत लंबे टाइम तक इससे टिका रहता है। इनफैक्ट ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, रेवोल्यूशन का।
दिस वन आई एम गोइंग टू यूज का सा जो है हमारी स्किन को एक वार्म टोन सा भी दे देता है। ब्रश से लगाइए इसे, और मैं इसे चीक्स वगैरह पे नहीं लगाऊंगी, बस जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहीं पे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे जो चीक्स की शाइन है वो अच्छी लग रही है। आई विल जस्ट लेट इट बी लाइक दैट, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ऑयल भी अब्जॉर्ब कर लेता है नोज़ के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा लगा दूंगी। और यहाँ पे जहाँ मैंने लगाया था ये है, आप देख सकते हैं ये कैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक एनी अदर ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, लेकिन एक हल्का सा जो है ना वार्म टोन सा दे देता है हमारी स्किन को। नाउ आई विल जस्ट फिल माई आईब्रोज। मिस क्लेयर का ये है, काफी सालों से इसे यूज कर रही हूँ, इसलिए मैंने दूसरा कुछ ट्राई नहीं किया है, बिकॉज दिस इज क्वाइट गुड। ये डार्क वाला चूज कर रही हूँ। बस जहां जहां आपको हल्का गैप लग रहा है वहीं पे लगाइए, बहुत हैवी आईब्रोज को भी मत कीजिएगा इस काइंड ऑफ नो मेकअप लुक में। अब आप चाहें तो लाइनर लगा लीजिए या काजल, या ये ऑप्शनल है, मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। मैं बहुत नेचुरल लुक है इसलिए सिर्फ आंखों के अंदर काजल लगा रही हूँ, बाहर लगा भी नहीं रही हूँ। और फ्रेंड्स एक बार और कह देती हूँ, अगर आपको जो है मेरा ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। IGTV में अनदर सेट ऑफ वीडियोज़ डालती हूँ। और हाँ, मेरी सीरीज व्हाट्स इन माय थाली टुडे मत मिस कीजिएगा। मेबेलिन का जो है काजल मैंने दिखाया नहीं, मेबेलिन का कोलोसल काजल है, या तो ये यूज करती हूँ मैं, या फिर लैक्मे का भी बहुत अच्छा है, वो भी यूज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली मस्कारा बहुत पसंद है, इसलिए मोस्टली या तो ये अगेन मेबेलिन का कोलोसल बोल्ट यूज करती हूँ, या फिर लैक्मे का यूज करती हूँ। वाटर प्रूफ मस्कारा ही यूज कीजिए। नीचे की साइड जो है मैं ब्रश टिप से ऐसे लगाती हूँ। तो ये लिपस्टिक लगाने जा रही हूं मैं, NYB की इम्पेकेबल, नंबर है इसका 15। बस इसे मैं आउटलाइन के बिना हल्का सा लगाऊंगी, और ज्यादा ना दिखे उसके लिए भी कुछ करूंगी। ओके, सो दिस इज द ट्रिक। बस आप लोगों को शायद ही पता भी होगी, हल्का सा जो है फिंगर से इसे मिक्स कर दूंगी। एक और ऑप्शन दे देती हूँ, ये है NYB शक्ति, इसका नंबर है नंबर 15, अमेज। ये बहुत ही नेचुरल सा शेड है, चाहे तो आप खाली ये भी लगा सकते हैं, चाहे तो दोनों में इसके ऊपर हल्का सा ही लगा लूंगी। एंड आई एम डन। लेकिन एक और टिप आपको जाने से पहले देती हूँ कि कई बार क्या होता है, जब हम मैट लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारे लिप्स थोड़े फटने से लगते हैं, या लिपस्टिक हमारी निकलने लगती है, ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है, आपको भी शायद लगता हो, तो आप क्या कीजिए कि मिलता जुलता कोई भी क्रीम लिपस्टिक का शेड, जैसे कि मैंने ये वाला लगाया था, नीचे लगा लीजिए, और उसके ऊपर जब आप लिक्विड लिपस्टिक लगाएंगे तो बहुत लंबे टाइम तक स्टे करेगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, और इनफैक्ट वो काफी उभर के भी आएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर being with me.